जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा Oh, na 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 na, jaya.
जय श्री श्री गुरु रंगदेव। ओम ज्ञान तिमिरामुदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे श्री हरिदास ठाकुर जी का कथा है। कहते श्री इनका नाम ही हरिदास है, लेकिन जो हरिदास है कहते दास है ना नमान्य अल्प भाग्य बने और अल्प भाग्य दास नाही। बोलो करे न भगवान आगे है मुक्ति ताप रहे सर्वबंध नाश ताप रहे ते बारी के कृष्ण दासे दास। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते जो दास शब्द हम सुनते ही ना बोले अरे दास बनना पड़ेगा, दुनिया चाहते हम मालिक बने और अब कहते तो दास है। कहते भैया जो दास शब्द है ना कहते दास है ना नमानिय अल्प भाग्य बने। अल्प भाग्य से भगवान किसको दास नहीं बनाते हैं। आगे है मुक्त, पहले मुक्त होगा उसको बाद में सारे बंधन उसका नाश होगा उसको बाद में केवल कृष्ण का दास कोई बन सकता है। इधर देखो इसलिए कोई भगवान का दासों का दास तभी कोई बन सकते हैं। इसलिए जगत में हनुमान भगवान का दास है क्या कम पड़े हैं। सारा दुनिया राम का जितना पूजा होता है राम को देखो ना कहीं एक मंदिर में पूजा होता होगा, लेकिन हनुमान को देखो घर घर में पूजा होती है। घर घर में नहीं रोड रोड में पूजा होती है, गली गलियों में हनुमान जी की पूजा होती है। इसलिए भगवान को जितना पूजा हनुमान से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा होती है, है? इसलिए राधा रानी क्या मानती है हम श्री श्याम सुंदर के श्री सेविका, इसलिए उनका नाम राधा मतलब जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती है वो श्री राधा रानी। इसलिए कहते ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितपद। बोले जगन्नाथ जी का चरण कौन कौन पूजा करते हैं, ब्रह्मा शंकर जी इंद्र चंद्र लक्ष्मी ये सब के सब किसकी पूजा करते हैं श्री जगन्नाथ जी की। सख्या बलदेव प्रभु भी किसकी सेवा करते हैं श्री जगन्नाथ जी की।
इसलिए जो दास शब्द है ये साधारण बात नहीं। इसलिए बोले भैया दास है, दास बनना है ना, इतना आसानी बात नहीं है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी किस कुल में जन्म हुए हैं? कहते श्री जवन कुल में। क्यों जन्म हुए? बोला किस लिए जन्म हुए हरिदास ठाकुर? जवन कुल में क्यों जन्म हुए? किस लिए जन्म हुए? बोला कुछ ना कुछ कारण बताओ। इसलिए जाति कुल निरर्थक यहा बुझाइते हरिदास जन्मलेन जवन कुल थे। कहते यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो जात कुल जो ये है ये निरर्थक है, हैं? हम इतने बड़े कुल में जन्म हुए, हमारे इतने बड़े कुल में जन्म हुए। कहते ये चीज की निरर्थक, इसका भी अर्थ है ही नहीं। ये चीज को समझाने के लिए हरिदास ठाकुर ने जवन कुल में जन्म हुए। बोले जई भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार। भगवान की भजन में जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। ये चीज को समझाने के लिए हैं, इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर जी एक बड़ा सुंदर कीर्तन लिखते हैं इसको ऊपर में। कहते हैं मन की करे भरणा कोल, ए मन की करे भरणा कोल, जय को लेके ना जनम नहाय केवल भक्ति मोला, ए मन की करे बरना कोला, कपि खोले धन्ना वीर हनुमान श्री राम भक्त राज, कपि खोले धन्ना वीर हनुमान राम भक्त राज, राक्षस हैया विभीषण वैसे ईश्वर सभार माज, ए मन की करे वरण कोल। यहाँ पर कह रहे मन तुमने ये कुल को कैसे सर्वश्रेष्ठ मान लिया है? बोले देखो जय कुल के न जन्म न है केवल भक्ति मूल, भले ही किस कुल में जन्म क्यों नहीं हो, जो मूल है भक्ति। बोले क्या है हनुमान जी? कौन सा कुल में जाति जन्म करण के? बोले बंदर घर में, बंदर जाति में जन्म हुए, लेकिन देखो राम का कितने बड़े भक्त है। कहते जो राक्षस हैया विभीषण वैसे, विभीषण ये राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब भगवान राम का दरबार लगता है ना, भगवान विभीषण को बराबर भगवान आसन, विभीषण को वो बराबर आसन देते हैं। बोले दैत्य और से प्रहलाद जनमी भुवन राखिल जस, स्फटिक स्तंभते प्रकट निहरी हैया जाहर बस, ए मन की करे वरण कोल। उदाहरण देते हैं दैत्य और से प्रहलाद जनमी भुवन राखिल जस। श्री प्रहलाद जी दैत्य कुल में हिरणाक्ष का बेटा बने हैं, लेकिन देखो कहाँ सत्य युग में आए थे, अभी भी घर घर में पूजा हो रहे हैं। हम कहते हैं भगवान कण कण में विद्यमान हैं, उनकी अस्तित्व को छोड़कर कोई कुछ है ही नहीं है, कण कण भगवान हैं। लेकिन ये चीज को प्रमाणित तो किसने करा दिया? कहते श्री प्रहलाद महाराज। पिताजी ने पूछा बताओ तेरे हरि कहाँ है? उन्होंने क्या बताया? बोले ये बताओ हरि है नहीं कहाँ तो बताओ। बोले खंभे में क्या है? बोले भे सत्यम विधातो निज भक्त भाषितम, भक्तों की वाक्यों को रक्षा करने के लिए पहले तेरे भगवान को पहले दिखाऊंगा, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। मुष्ट का घात मारे तो स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोले प्रहलाद महाराज की। इसलिए क्या देखो इन्होंने जन्म हुए राक्षस कुल में, लेकिन उन्होंने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया और भगवान को उन्होंने अपना प्रेम में बसीभूत कर दिया। भगवान भगवान को
इतने भयंकर भगवान का रूप था ना। शंकर तो आए तो जब देखा नरसिंह देव को, जो नंदी था तो पूछ खड़े करके भागी वहां से। ब्रह्मा आए तो भगवान टेढ़ी नजर से देखे, बोले तुमने इसको वरदान दिया था, अरे मेरे भक्तों को इतना कष्ट दिया। टेढ़ी नजर से देखा तो वहां से ब्रह्मा जी भगे। मैया लक्ष्मी के पास में गई, बोले मैया आप कुछ कर सकते हो? बोले भगवान तो बड़े प्यारे हैं, शांत आकार हूँ, बुजुर्ग सही ना, भगवान कितने सुंदर है, अभी जाऊंगा, अभी अभी मैं प्रभु को शांत कर दूंगा। आरती का जब थाला लेकर के आए और उनने एक दहाड़ मारी, बोले भगवान मैंने ये रूप कभी देखा नहीं। आरती का थाला छोड़े और वहां से भाग गई लक्ष्मी, बोले मैं नहीं जा सकती हूँ। पर इसे प्रहलाद महाराज के पास में जब गए, प्रहलाद बाहर जाते ही उनको तो पानी पानी हो गए, भगवान उनको गोद में बैठा करके चाटने लग गए। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे डर से त्रिभुवन कांप रहा है, लेकिन तेरे अंदर कोई डर भय नहीं? बोले प्रभु आपका ये रूप तो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। जो शेर है ना वो दूसरे के लिए शेर है, बच्चों के लिए थोड़ी शेर है। हाँ जैसे जब सिंह, जब सिंहिनी जब किसी हाथी को मार करके आती है ना, बड़ा भयंकर उसका रूप रहता है, हैं? लेकिन उसका बच्चे क्या करते हैं, उठ को पीठ ऊपर में हैं चढ़ करके फुदकते रहते हैं, दूध पीते हैं फुदकते रहते हैं, हैं? इसलिए बच्चे के लिए शेर शेर नहीं, दूसरे के लिए शेर है। बोले प्रभु आपका ये रूप तो बड़े प्यारा लगता है, लेकिन ये संसार देख करके मेरे को डर लगता है। आपको देख कर डर नहीं, संसार को देख करके मुझे डर लगता है। भगवान एकदम पानी पानी, इसलिए यहाँ कह रहे हैं हैया जहार बस, भगवान प्रहलाद का बस, उनके प्रेम में भगवान वसीभूत हो गए। बोले पर मांगो, बोले प्रभु इसके चक्कर में मत डाला करो। हाँ अगर देना चाहते हो क्या करो, ये पृथ्वी में जितने जीव है ना जो कुछ दुख कष्ट पा रहे हैं, उनको सारे दुख कष्ट मुझे दे दो, मैं करोड़ों काल के लिए इनका दुख कष्ट को लेकर के मैं नरक भोग करूं, लेकिन ये ब्रह्मांड को आप उद्धार कर दो और इनको अपना चरण में भक्ति स्थान दे दो। प्रहलाद अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, इनके पाप लेने का कोई जरूरत नहीं तुमको, मेरे एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनकी एक एक लोभ कुफ में कितने करोड़ों विद्यमान ब्रह्मांड, तुम्हारी इच्छा है ना एक ब्रह्मांड को पूरा उद्धार कर दूंगा, पूरा एक ब्रह्मांड को मैं अपना चरण में स्थान दे दूंगा। प्रहलाद मतलब इतने दयालु भक्त लोग, इतने दयालु है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले चंडाल हैया मिताली करीला गुह का चंडाल बारा, चंडाल हैया मिताली करीला गुह का चंडाल बारा, आ बलना की कोल पिदुरे रचिला, बोलना की कोल पिदुरे रचिला, खाइला ता हर घर ए मन की करे वरणा, खोला ए मन की करे वरणा, खोला। या उदाहरण देते हैं चंडाल हैया मिताली करिलो गुह का चंडाल पर, कहते ये जो गुहक कहते ये चंडाल है, लेकिन भगवान ने राम ने क्या किया, उनको साथ में अपना मित्रता को है, गुह का चंडाल का अपना मित्रता, उनको मित्र बना लिया गुह का चंडाल को। इसलिए जिस समय गुह का चंडाल जब पूरा के पूरा अपना परिवार लोग आए, बोले परिचय दिलाओ आपका माँ कौन है, बोले वृद्धा को अंदर में जो सबसे ज्यादा वृद्धा वो मेरी माँ है, और देखते ही भगवान दौड़ पड़े, चरण स्पर्श करने के लिए भगवान दौड़ पड़े हैं। इसलिए उनकी मन में इच्छा हुई, अगर मेरे ये लाला होता है ना, मैं इसको रोज इसको गोद में लेकर मैं लाड़ लड़ाती। बोली कोई चिंता मत करो, मैं कृष्णा अवतार में तुम्हारी गोद में बैठी करके मैं तुम्हें माँ बोलूंगा। इसलिए भगवान जिसको अपना मित्र बना दिए, और बताओ विदुर का कौन सा कुल था है, इसलिए दुर्योधन को मेवा त्यागे साग, विदुर घरे खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान कैसे विदुर को फिर कृपा किया, बोले देख ना के मन साधन करीला गोकुले गोपीर नारी, देख ना के मन साधन करीला
गोकुले गोपीर नारी आ जाती खुला चारे तब की करीला जई हरी भजतारी ए मान की करे वरना खोला। यहाँ पर कह रहे हैं देखना के मन साधन करील गोकुले गोपीर नारी। देखो गोपिया हमारे उड़िया में कीर्तन है ना, क्या कीर्तन है, अधम जाति गोप अधम जाति क्या कन्हाई रोहिणी सुता जाति थी। इसलिए वहां कह रहे थे जो ग्वाला है उनका हाँ उनका छोटे जाति मानी गई, लेकिन देखो गोपियां कहाँ गोप गुरु में घर में जन्म ग्रहण किए हैं, गोप की हमें ग्रहण करने पर भी उद्धव जैसे भक्त महाप्रभु के सबसे जो बड़े भक्त हैं, जो प्रेमाधुर भक्त भगवान जिनके लिए कहते हैं तुम मेरे इतने प्यारे हो, मेरे पुत्र भी इतना प्यारे नहीं, शंकर भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं है, बलदेव प्रभु नहीं, मैं भी नहीं है, लेकिन ऐसे भक्तों गोपियों की चरण की धूल को वंदना करते। देखो कैसे उन्होंने तपस्या की। इसलिए यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण भजने सभे अधिकारी कुलेर गर्व नाही कहे प्रेमानंद जेकर गर्व नितांत मूर्ख सही भाई। इसलिए भगवान की भजन में सबका अधिकारी है, यहाँ पर जात कुल का कोई गर्व नहीं। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं जो कुल का गर्व करते हैं वो बड़े मूर्ख हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हरिदास कहते जाति कुल निरर्थक यह बुझाइते हरिदास जन्म लेन जवन कुल थे। इसलिए जात कुल ये जो है ये कोई काम की नहीं, जो मेन वस्तु है भगवान की भक्ति ये चीज को समझाने के लिए हरिदास ठाकुर ने जवन कुल में हरिदास ठाकुर जन्म ग्रहण किए। इसलिए कहते हैं जो हरिदास ठाकुर जी जब आए उसको पहले लोग सब भक्त लोगों को बड़े विद्रूप करते थे, बोले कोई काम धाम है नहीं घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, रात भर हरी हरी बोलते रहते हैं, इनकी घर द्वार उखाड़ करके गंगा में बहा दो सबके सब हैं, गंगा में इनको सबके सब बहा दो। सब पाखंडी लोग बड़े गाली देते थे साधु संतों को, लेकिन जिस समय महाप्रभु का जितने भक्त लोग थे बड़े दुखी होकर के अंदर अंदर में सबके सब श्री भगवान की भक्ति करते थे, इतने में श्री हरिदास ठाकुर आए हैं। उस समय जब श्री हरिदास ठाकुर आए उनको कह रहे हैं कहते जिनका भक्ति ही इनका जो शरीर है किस चीज का शरीर है, कहते रसमय प्रेममय भक्तिमय जिनकी शरीर है, कहते अगर ये हरिदास ठाकुर को कोई कथा सुन लेना, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं उसको कृष्ण जरूर मिलेंगे, उसको कृष्ण जरूर मिलेंगे। सचमुच से हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र इतने सुंदर चरित्र है, इनकी चरित्र सुनते ही अपनी आप हमारी उनके चरण में अपनी आप भक्ति प्रकट हो जाता है, है? प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते ये बुढ़न ग्राम में जन्म ग्रहण किए हैं और इनकी कृपा से ही वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो देश देश में जो हरि कीर्तन है, बोले किसकी कृपा से, बोले श्री हरिदास ठाकुर का कृपा से देश देश में लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों, हरिदास ठाकुर दिन में तीन तीन लाख हरि नाम करते थे, इसलिए महाप्रभु इनका नाम क्या रखा, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं। वैसे तो जन्म जब जवन कुल में किए लेकिन महाप हरिदास ठाकुर उपाधि महाप्रभु देते हैं, कदी ये नाम कहिए आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। कदी इन्होंने जब आए शांतिपुर में, जब आए शांतिपुर में आते ही अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और दोनों भक्ति समुद्र में हैं, दोनों हरिदास ठाकुर और श्री अद्वैत आचार्य दिन रात कृष्ण कथा रस में कहते भक्ति समुद्र में गोता लगाते रहते। क्या करते हैं, भक्ति समुद्र, क्योंकि कहते चार मिले चौसठी खिले, उसके बाद में बोलो बीस रहे करो जोड़, हरि भक्त से हरि भक्त मिले वहां से एक करोड़, समझ गए, चार मिले चौसठी खिले,
पहले क्या होता है, दो तो भक्त जो मिलते हैं ना, चार ही मिले, मतलब एक भक्त का दो आंख और दूसरे भक्तों का दो आंख, कितना हो गया, दो दो, चार मिले, उसको बाद में 64 ही खिले। हमारे कितना दांत है, कितना दांत है, 32 दांत है, और दूसरा का कितना दांत है, 32 दांत। जब एक भक्त दूसरे भक्तों से मिलते खुश हो जाते ना, हंसने लग जाते, अब हंस नहीं रहे चुपचाप। इसलिए जब एक भक्त से भक्त मिलते हैं जीवन में, जगत में जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या, यहाँ पर बता रहे हैं, जब कोई भक्त भक्त से मिलते हैं ना, है कहीं अगर आप किस देश में गए, कहीं भक्त है नहीं, जब एक से भक्तों को देखते कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितने प्रसन्न होते भक्त, अगर भक्त से अगर मिल गए तो, है अपना जात भाई से अगर मिल गए, अगर किसी उड़िया, अगर किसी दूसरे देश में जाकर के उड़िया व्यक्ति से मिल जाए ना, देखना कितना खुश होते अपना उड़िया लोग, है अपना उड़िया। इसलिए भक्त भक्त से कल चार मिले, 64 के लिए दोनों जब खिलखिला कर हंसते हैं, 64 मिले, 20 रहे कर जोड़, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हमारी कितना अंगुल है, 5 5 10, दूसरा का कितना है, 5 5 10, 10 10 कितना हो गया, 20, 20 रहे कर जोड़। कहते हरी भक्तों से हरी भक्त मिले वहां से 1 करोड़, जब हरी भक्त एक दूसरे हरी भक्तों से मिलते हैं, एक वहां से 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब हमारा जो रोमावली है ना, है कहते 50 50 लाख रोमावली हमारी, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं रोम रोम खिल उठते हैं, 50 लाख 50 लाख कितना हो गया, वहां से 1 करोड़। इसलिए यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते, जब हरिदास ठाकुर आए शांतिपुरी में, जब अद्वैत आचार्य मिले, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिले, कहते दोनों तो भक्ति रस समुद्र में एकदम उसमें ही डूब गए, क्यों, दिन रात हरि चर्चा हरि कीर्तन में दिन रात डूबे हुए। देखो भगवान का जो कथा जो कीर्तन है ना, इससे बड़ा आनंद दुनिया कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सबसे दुनिया में अगर सबसे बड़ा आनंद कहीं है, हरि कीर्तन में हरि कथा में आनंद है। दिन भर देखो, दिन भर कोई काम करते रहे जो थक जाए, केवल 5 10 मिनट बैठ करके ना देखना, थोड़ी सी कीर्तन कर लो, थोड़ी सी कीर्तन कर लो, दिन भर का परिश्रम कहीं चले जाएगा। 10 मिनट बैठ करके आपस में हरी चर्चा कर लो, हरी चर्चा करते सब दुख क्लेश सबके सब हृदय से दूर हो जाता है, मन का व्यथा, हाँ मन में कितने शांति मिलती है भगवान की कथा से, भगवान को शांति मिलता है, हमारी बात छोड़ दो, है। इसलिए बोले ना, जो महाप्रभु अद्वैत आचार्य जो घर में बुलाने के लिए, विश्व रूप को बुलाने के लिए जब आए, हैं जब आए, जो महाप्रभु जब देखते हैं मेरे भक्त लोग बैठ कर क्या कर रहे हैं, मेरी कथा कर रहे हैं, महाप्रभु सबको ऊपर में कृपा दृष्टि करते हैं, मेरी कथा कर रहे हो, मेरी कथा मेरी चर्चा कर रहे हो, हैं। अगर हम बोले अरे ये कितना, जैसे राधा रमन कितना अच्छा लड़का है, दिन भर हंसता रहता है, नाचता रहता है, कूदता, खुश हो जाते कि नहीं। उसी तरह जब भगवान की महिमा को गाओ, भगवान की कथा सुनाओ ना, इसलिए भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं उनकी कथा हरि कथा उनकी चर्चा में। और भगवान स्वयं आकर के, आप लोग देखे होंगे सूरदास का एक छवि है, है कि सूरदास का, सूरदास बैठी करके भजन गा रहे, स्वयं कृष्ण आकर के ऐसे बच्चे बन करके ऐसे हाथ करके एकदम तन्मय होकर के सुन रहे कृष्ण अपना भजन को, कृष्ण स्वयं सुन रहे, क्योंकि उनके भजन में कथा में इतने आनंद है ना, इतने आनंद है, कृष्ण भी अपना कथा सुन करके खुश हो जाते, उनको भी पता नहीं, हाँ हरि ना सक राम ना सकई नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान भी अपना नाम की महिमा, कथा की महिमा भगवान भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जब दोनों भक्त मिले, इसलिए बद कथा बोलो, बद कथा बदगता चिंता बदयते परस्पर कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, मेरी कथा मेरी नाम मेरी चर्चा, बस उसी में ही भक्त लोग उसमें डूब जाते, यही इनका जीवन का, यही जीवन का सब कुछ है, कदर का कोई धंधा है ही नहीं है, इसलिए उसमें कदर का कोई और धंधा है नहीं, केवल कृष्ण कथा नाम छोड़कर कुछ धंधा है नहीं है, एक ही धंधा क्या है, भगवान की नाम कीर्तन भजन, इनका रुको धंधा है नहीं। चतुसन क्या करते हैं, अगर कोई सुनने वाले हो ना, सुनाना शुरू कर देते,
अगर कोई सुनने वाला नहीं हो ना, तीनों भाई बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, एक भाई ब्यास गति में, बस कथा सुर। इसलिए इनका उम्र हर समय 5 साल की उम्र, कहते कृष्ण कथा मात्र ही का जीवन, इनका जीवन क्या है, कृष्ण कथा इनकी जीवन। शंकर पार्वती क्या करते बताओ, दिन भर शंकर जी भगवान की कथा सुनाते रहते, दिन भर पार्वती को कथा सुनाते, पार्वती दिन भर बैठ करके कथा सुनती है। इसलिए कथा में, इसलिए हरि कथा है हरि कथा में। बोले कथा मतलब क्या, बोले कंग मतलब होता है रस, था मतलब जो जीव को हरि रस में स्थापन कर देता है, इसलिए था मतलब होता है जो कथा का मतलब रस होता है, जो रस में कथा स्थापन कर देता है जीव को, इसलिए इनका नाम कथा है, कथा है। इसलिए कहते जब ये दोनों मिले है ना भक्ति समुद्र में, है दोनों भक्ति समुद्र में डूबने लग गए, तैरने लग गए भक्त लोग, जो दोनों को दोनों मिले। इसलिए क्षण के गोविंद नामे नहीं कभी भक्ति रसे अनुक्षण है नाना मूर्ति। देखो जैसे हम थोड़ी सी कथा सुन देते ना, जैसे एक घंटा बैठ जाएगी ना, फिर हमको भी विरक्त लग जाती है, अरे इतना समय हो गया, अरे तो 9 बजा ही नहीं, अरे तक तो बजा ही नहीं हम लोगों को। इसलिए और ज्यादा अगर थोड़ी समय माला लेकर बैठ जाओ ना, हाथ अगर कोई सोल माला कर ले, बोले बहुत हो गया, अभी इसको रखो। कारण है अभी हम अनर्थ झुकते हैं, अनर्थ झुकते हैं। इसलिए भगवान की कथा कहते ना, स्याद कृष्णा चरित अभिता रसना सुना रुचिकानो। अभी हमें बीमारी हो गया है, किस चीज की, पिलिया की बीमारी, जंडिस का बीमारी हो गया है, इसलिए भगवान का नाम कथा हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तुंडे तांडव निमित वितनुते तुंडावली लभते, कर्ण क्रड़ो कड़म निघटेते कर्णा उदेव स्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने किम अद्भुत कृष्णति। कृष्ण जो दो अक्षर है इसमें भगवान कितना रस, उसमें कितने आनंद भगवान रख दिया, जो कान में प्रवेश करता है लगता है हमें करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया, जो जिह्वा में उदय होता है शंकर जैसे तांडव नृत्य करते जिह्वा ऐसे थिरकने लग जाती है, हैं थिरकने लग जाती है। कहते नाम प्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे, तभी बताओ 3 लाख हरिनाम करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा, 3 रात मिलकर 24 घंटा होता है, 24 घंटा अगर 6 घंटा 7 घंटा लग जाए ना, 8 21 घंटा गया, मात्र 2-3 घंटा बच गया सोने के लिए, खाने पीने सारे काम करने के लिए, बोले कोई काम नहीं था, दिन भर करते थे। क्योंकि कृष्ण नाम जब जिह्वा में उदय होता ना, जब अनर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे, अनर्थ एक समय महाराज जी हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज प्लेन में यात्रा कर रहे थे, जब प्लेन में यात्रा कर रहे थे तब एक दिन महाराज जी बोल रहे थे, वो फ्लाइट था 8 घंटा, वो फ्लाइट था 8 घंटा फ्लाइट था, गुरुदेव पूरा पूरा के पूरा 8 घंटा। और फ्लाइट में ना कौन कौन फ्लाइट में बैठे हो, कौन कौन प्लेन में बैठे हो, प्लेन में बैठा बाबा रे अंगुल उठा दे, ये तो बहुत बड़े आदमी। इसलिए प्लेन में ना लगता है दूर से, अरे प्लेन में एक बार बैठे बैठे हे भगवान, प्लेन में ज्यादा समय इसलिए अगर ज्यादा समय प्लेन में बैठ जाओ ना, इतने विरक्ति लगता है, इतने विरक्ति, छोटी सी एक सीट में है, सीट के ऊपर में ऐसे होकर के, ट्रेन में तो बहुत बढ़िया है सब उठो, प्लेन में तो इतने विरक्ति लगता है। जब कहीं हम लोग को कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, आते समय एक जगह बदला करके एक जगह पर 10 घंटा, एक जगह पर 5-6 घंटा। हे भगवान, प्लेन का नाम सुनते ही ना, हम प्लेन का नाम सुनते ही विरक्ति लगता है, प्लेन में फिर बैठना पड़ेगा हैं ऐसे। लेकिन गुरुदेव बोल रहे थे 8 घंटा फ्लाइट था, 8 घंटा गुरुदेव एक जगह पर बैठे करके पूरा माला लेकर के पूरा 8 घंटा पूरा के पूरा कंटिन्यू उन्होंने 8 घंटा हरिनाम जप किया। दिन गुरुदेव बोल रहे थे, तब सबके से बोले थे गुरुदेव आप हरिनाम करते करते थोड़ी सी जैसे हैं, अरे इतना वाला हो गया और थोड़ा तो रख लो थोड़ी देर बाद में करें, ऐसे नहीं लगा, बोले नहीं पूरा कंटिन्यू मैंने 1 घंटा 8 घंटा नाम दिया। कारण है जब ये कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण, भगवान का नाम अमृत है। अभी चुके हमें अमृत नहीं लगता है कि हम अनर्थ ग्रस्त है, अनर्थ, लेकिन जब अनर्थ मुक्त हो जाएंगे
हैं, बोले तुंडे, कहले ब्रह्मा एक जीवा क्यों दिया हमें, अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दिया, कृष्ण नाम में इतने रस है। इसलिए हरिदास ठाकुर का चरित्र को कह रहे हैं, बोले क्षण के गोविंद नामे नाहीं कोई विरक्ति, एक क्षण भी गोविंद नाम में उनको कोई विरक्ति नहीं, भक्ति रस अनुक्षण है नाना मूर्ति। जब भक्ति रस में उनका जो शरीर में जो भक्ति प्रकट होता था, कल हम सुन रहे थे ना, कभी पागल होकर के कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दुर्त चीत उच्च हसत्यथ रोदती, कभी हंस रहे तो हा 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 ठा लगा कर हंसी रहे हैं, कभी रो रहे तो रो ही रहे, कभी नाच रहे तो नाच रहे, कभी लोट पोट खाते तो लोट पोट खा ही रहे हैं, लोट पोट खा रहे हैं, कभी अटहास कभी हुंकार कभी मूर्छित, कहते इनकी शरीर में ऐसे भक्ति के विकार है। जिस समय हरिदास ठाकुर जी कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते थे, जितने सारे अष्ट सात्विक विकार सबके सब हरिदास ठाकुर शरीर में सबके सब प्रकट हो जाते थे हरिदास ठाकुर शरीर में। कहते जिसको देखकर जो पाषंडी लोग जो दुष्ट लोग भी हैं, वो पाखंडी लोग भी जिसको देख करके हैं, यहाँ पर कह रहे हैं पाखंडी लोग देख करके भी जिसको देख करके वो भी आश्चर्य में पड़ जाते थे, ऐसे किसी शरीर में विकार हो सकता है कभी शरीर में। इसलिए कहते इनकी बात छोड़ दो, यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा शंकर भी जिसको देख करके आश्चर्य हो जाते थे। स्वयं शंकर ब्रह्मा जी कौन है, आदि गुरु हमारी शंकर जी, वैष्णव नाम जथा शंभु। कहते ब्रह्मा शंकर भी जिनके शरीर में प्रेम की विकार को देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर के सब श्रद्धा करते थे, इसलिए गंगा स्नान हरिनाम ये सब के सब करते थे। लेकिन एक काजी पाजी था एक काजी प्रेमानंद कहते पाजी, ये काजी नहीं ये पाजी है, एक काजी था मुसलमान के हेड था काजी, इसलिए जाकर मुलुक मतलब जो राजा होगा हैं, राजा के पास में जाकर के बोले, बोले आपको सुने कि नहीं, बोले क्या बात है, बोले ये मुसलमान होकर के हरिदास ठाकुर मुसलमान होकर के हिंदू वाणी ये हरे कृष्ण कर रहा है, इसको देख करके क्या होगा जानते हो, कहते बड़े लोग जो काम करते हैं ना छोटे लोग उसको देख करके उसको तरफ में जाते हैं, ये जितने मुसलमान वो भी हरे कृष्ण बोलना शुरू कर देंगे, जल्दी जल्दी उसको क्या करो बंद करो, नहीं तो जगत में अनर्थ होना शुरू हो जाएगा हैं, अनर्थ न होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हरिदास ठाकुर बोले उसको पकड़ कर ले आओ हैं, मुलुक ने राजा ने कहा पकड़ कर ले आओ हरिदास ठाकुर को, जब पकड़ करके ले गए, अगर हमें कोई बोले राजा है मुसलमान पीरियड था उस समय मुसलमान राजा वो हिंदू नहीं, अगर हम लोग कोई पकड़ कर ले जाए क्या हरिनाम दिन भर कर चलो राजा, हम तो सुनते ही पानी पानी हो जाएगी भगवान क्या होने लग जाएगा, क्या होगा बुला रहे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे, बोले कृष्ण रे प्रसाद हरिदास महाशय, बोले जबने रे की दाय काले रे नहीं भय। देखो भगवान का भक्ति जो सचमुच से भक्ति करने वाले हैं, सचमुच से जो भगवान की चरण में जिनको अंदर में छह तरह का शरणागति है, क्या क्या छह तरह का शरणागति है बोला, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य विवर्जन रक्षिष्यति विश्वास गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वदा शरणागति, जो छह तरह का जो शरणागति है जिनको पूर्ण विश्वास, क्या रक्षिष्यति विश्वास, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, भगवान हमारी पालना करना जरूर, जब वो चिट्ठी से लेकर के हाथी को पालना करते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, क्या ठाकुर हमें पालन नहीं करें, अभी पालना कर रहे हैं कि नहीं, साधारण लोग हाहाकार कर रहे हैं, बाहर जा करके देखो ना जिन लोगों का काम नहीं मिल रहा है, रोज रोज जो काम करके खाते हैं जा करके हाहाकार मचे रहे थे, आज यहाँ पर कुछ दे रहे थे, कुछ हमारे पीछे कुछ लोगों को कुछ चावल डाल दे रहे थे, और किसको पता चलता, पहले तो थोड़ी लोग कुछ लेकर के आए बैग में, पता चलते पूरा के पूरा वहाँ से पेट का बस्ती के बस्ती हाँ सबका सब भागना शुरू कर दिया, वहाँ कुछ हाँ हाँ कार कर रहे। लेकिन हम लोग ठाकुर का आश्रय में रहते हैं, मंदिर में ठाकुर का आश्रय में रह रहे, कोई कुछ पता है
रोज रोज चकाचक प्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद, हाँ रस रस रसावली, कभी कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद, खिचड़ी, डालमा, और क्या स्वप्न कुछ दिखा कि नहीं। इसलिए रोज रोज, हाँ रोज हम लोग भक्ति कर रहे, भजन कर रहे हैं, क्या कोई चिंता है किसको, कैसे हम खाएंगे, कैसे क्या रहेंगे, क्या करेंगे, कोई किसको चिंता है। राजमहल में रह रहे एक व्यक्ति है ना, जिस होटल में रह रहे एक व्यक्ति दिन में 3,000-3,500 रुपया दे करके इस तरह से ऐसे होटल में रह करके समुद्र का हवा खाने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से आनंद में कोई चिंता ही नहीं, बाहर का है चिंता ही नहीं, कहाँ से आ रहे हैं और कौन दे रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, किसको पता ही नहीं हम लोग। हाँ बोले बाबा जी महाप्रभु चावलों के लिए कहते हैं, बोले मटन रोजी खटरे सोची, मटन रोजी आओ खटरे सोची। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, कहते जो भगवान का जो भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, देखो ये जो चीज है ना, ये कोई जोर जबरदस्त चीज नहीं। अगर हम सोचने लग जाए नहीं भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, हम विश्वास करेंगे ठाकुर हमें रक्षा करेंगे, भगवान हमें जरूर पालन करेंगे, ये जोर जबरदस्त चीज नहीं है। चूंकि अभी कोई परीक्षा नहीं आई ना, इसलिए हम लोग कुछ ये नहीं, जब परीक्षा आ जाए ना सब भागना शुरू कर देंगे, इधर उधर से भागना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान जानते हैं ये ऑलरेडी फेल है, और जो फेल बच्चों का हम परीक्षा क्या करें, हैं परीक्षा क्या करें। लेकिन ये कोई जोर जबरदस्त चीज है ही नहीं। लेकिन ये चीज कितने परिमाण में हमारे विश्वास होगा, मतलब जितना परिमाण में भजन हमारी होगी, जितना शुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में हम जितने भक्ति करेंगे ना, जितना भक्ति करेंगे ये चीज अपने आप हृदय में ये विश्वास आता है अपने आप। ये जोर जबरदस्त चीज है नहीं, हम सुन करके हम भगवान जरूर रक्षा करेंगे, हैं जरूर, ये जोर जबरदस्त चीज है नहीं। इसलिए ये भजन का ऊपर निर्भर करता है, हम कितने निष्कपट होकर के ठाकुर का नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सचमुच से कितने हम शरणागति है, हैं कितने हम शरणागति है, उसको ऊपर में ही ये निर्भर करता है, ठीक है ना। इसलिए हरिदास ठाकुर संपूर्ण कंप्लीट सरेंडर भगवान के ऊपर में, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते साधारण राजा की क्या बात है, कहते भैया जो जम है, हैं कहते जो जम है, कहते उनको जो काल है उनका प्रति भी इनका कोई डर भय नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर को बुलाया तो हरिदास ठाकुर बोले बुला रहे हैं, राजा बुला रहे, बोले हाँ, बोले चलो राजा के पास में। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरि नाम करते करते चल पड़े राजा के पास में। तो राजा के पास में चले इतने में जब उनको पकड़ करके ले जा रहे थे ना, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात होता है, जब पकड़ कर ले जा रहे थे उसी समय कुछ लोग जेल में बंद हुए थे। हर तरह के लोग होते हैं जेल में, सब दुष्ट नहीं होते हैं, कोई किसी कारण से कभी फंस भी जाते हैं। इसलिए जब जेल में कुछ लोग देख करके, आप देखना जब जेल हो जाए ना, बड़े बड़े व्यक्ति भी सुधर जाते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। जब जेल जेल में थे, जब उन्होंने हरिदास ठाकुर को देखा, वो पकड़ करके ले जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर का जो चेहरा ना लंबे चौड़े बड़े सुंदर, ये ब्रह्मा और श्री प्रहलाद का है, प्रहलाद का बता रहे। इसलिए जब ले जा रहे थे बड़े सुंदर रूप देखने में, और हरिनाम करते करते जा रहे हैं, उनको देख करके उन्होंने प्रणाम किया जितने बंदी लोग। क्यों प्रणाम किया, बोले संतों की कृपा होने से क्या होगा, हमारी बंधन खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने हरिदास ठाकुर को भक्ति करके प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर आशीर्वाद दिया, बोले क्या आशीर्वाद दिया, बोले जिस रूप में हो ऐसे ही रहो, जिस रूप में हो ऐसे ही रहो। बोले हे भगवान, हम तो सोच रहे थे भैया संत दर्शन करने से हमारी जेल छूट से छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते भैया जैसे वैसे ही रहा करो। जब दुखी हो गए तो हरिदास ठाकुर उनको समझा रहे, बोले देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ जेल में हर समय रहो, अभी जेल में है ना, हाँ जेल में हो, विपत्ति में हो, इसलिए भगवान की तुम स्मरण कर रहे हो। तुम जेल से निकल जाओगे ना, फिर भगवान का स्मरण नहीं करोगे। इसलिए मैया कुंती को भगवान जब बोले बर्मा को, उन्हें क्या बोले, बोले विपत्ति संत में संख्यात तत्र तत्र जगत गुरु, हमें विपत्ति दो, है कि बोले क्यों विपत्ति क्यों, बोले संपत्ति में
कहते सुख के माथे सील पड़ी जो राम हृदय से जाए, बोले बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। बोले प्रभु सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे सुख दुख, सुख में जो सुमिरन करे दुख कहीं से कहीं को आए है। इसलिए कि दुख में खुद खुद देख लो, अगर कोई विपत्ति आ जाए ना भगवान को ज्यादा से ज्यादा जितना स्मरण करे ना, और ज्यादा वही ठाकुर जी रक्षा करो, ठाकुर जी रक्षा करो, ठाकुर जी रक्षा करो। इसलिए दुख आते ही सबके सब भगवान की भक्ति करना कसूर कर देते हैं। इसलिए अभी दुख में हो इसलिए स्मरण कर रहे हो भगवान को, इससे निकल जाओगे ना विषय में चले जाओगे। अरे भगवान भगवान कौन जानता है, अभी कोरोना आ गया ना, अभी कोरोना आई है, सारा दुनिया भी कोरोना से डरते हुए थोड़ी सी भगवान को स्मरण कर रहे, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी कोरोना कब जाएगा। लेकिन जब कोरोना चली जाएगा भगवान भगवान कौन होते, हमने सब कुछ कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया हमने। इसलिए इतने में जब वो दुखी हो गए, फिर हरिदास ठाकुर उनको समझाए, बेटा कोई चिंता मत करो, इसका मतलब नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर समय तुम जेल में रहा करो, देखो दो चार दिन बाद में तुम्हारी जेल से छुटकारा मिल जाएगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सचमुच से दो चार दिन के बाद उनको जेल से छुटकारा भी मिल गई। इसलिए अभी इनको लेकर के गए, जब लेकर किसको पास में गए, कहते राजा को पास में लेकर गए। जब राजा को पास में लेकर गए इतने में राजा ने जब उनका ये रूप को उन्होंने देखा, देख करके राजा भी विस्मित चकित हो गए, और देख करके उनको ऐसे अच्छे उन्होंने आसन उन्होंने दिया, अच्छे आसन देकर उनको बैठाया। बैठा करके तब श्री राजा बोले, बोले भैया तुम बड़े भाग्य से तुम मुसलमान घर में जन्म ग्रहण किए हो, जब हम एक बार हिंदू को दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ पर, कहते हैं भैया हम लोग भात नहीं खाते हैं, हिंदू को देखने पर हम लोग भात नहीं खाते हैं, इनको परछाई अगर स्पर्श हो गया ना हम जाकर के स्नान करते हैं, मतलब हिंदू को इतना घृणा करते हैं मुसलमान लोग हैं। और तू कितने भाग्य से तुमने ये मुसलमान घर में तुमने जन्म ग्रहण किया, तो मुसलमान घर में जन्म होकर क्यों तू ये मुसलमान ये हरे हिंदुओं का ये हरे कृष्ण नाम क्यों जप कर रहे हो, इसको छोड़ दो, छोड़ करके अपना कलमा उच्चारण करो। जब ये बात बताए तब श्री हरिदास ठाकुर जी बहुत अच्छे बात बताए हैं। हरिदास ठाकुर क्या बताए, बोले देखो बड़ी मीठी स्वर में बताए, बोले नाम भेदे कहे हिंदू ये जवने, परमार्थ एक कहे कुराने पुराने हैं। कहते जो कुरान और पुराण अगर पढ़ोगे ना, सही कुरान और पुराण पढ़ोगे, देखो कहीं गीता भागवत में जो उपदेश है उनका कुरान में भी वही बात लिखा हुआ है। अलग कोई जितने महापुरुष लोग हुए ना अलग कोई बात लिखे ही नहीं, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर परिवर्तन करके उल्टा पुलटा सबके सब घुसा दिए हैं। इसलिए कहते नाम भेद करे हिंदू व जवने, जैसे हम लोग क्या कहते भगवान कहते हैं, किसी ने कहते गड कोई कहता कोई कहता अल्लाह, अल्लाह मतलब क्या बड़ा है, अल्लाह मतलब होता है बड़ा है, इसलिए भगवान बड़े हैं। इसलिए तत्वतः जो नाम अलग 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 रूप में है, लेकिन अगर विचार करेंगे ना देखोगे सबके सब वो एक ही को भगवान को एक को ही लक्ष्य करता है, है? लक्ष्य करता है। इसलिए भगवान हृदय में हाँ जिसको कदर तेसाम सतत जुगता नाम भजताम प्रति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजान देते। कहते ये बुद्धि जोग देने वाले कौन है, भगवान है। बुद्धि जोग देने वाले जब कोई सच दिल से उनको पुकारता है सारे बुद्धि जोग देने वाले वही है। इसलिए उधर अलग नाम केवल अलग है, भैया अभी किसको कुरान अच्छा लगता है, किसको आल्हा अच्छा लगता है, किसको गढ़ किसको भगवान अच्छा लगता है। इसलिए हमें तो भगवान का नाम ये हरे कृष्ण नाम अच्छा लगता है, भगवान जिसको जैसे प्रेरणा देते हैं वैसे ही नाम करते हैं। इसलिए भगवान तो अलग कुछ है नहीं, इसलिए भैया फिर मैं भगवान का श्री भगवान का नाम करता हूँ, मतलब ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतर रानी माया, भगवान सभी के हृदय में भगवान की निवास है, हैं? भगवान का निवास सबके हृदय में निवास है।
इसलिए कोई कोई ब्राह्मण होकर भी मुसलमान हो जाता है, कोई मुसलमान होकर ब्राह्मण हो जाता है, है? इसलिए भगवान तो कोई अलग नहीं, भगवान एक ही है। जब ये सब बात उन्होंने बताया ना, अच्छी अच्छी बात उन्होंने समझाए राजा को, राजा तो सुनकर खुश हो गया, बोले बात तो सही कह रहे, ये बात कोई अलग तो बात नहीं कर रहा है, सभी का हृदय में भगवान का निवास है, जिसको जिसको इच्छा होता है वो उससे भजन करता है। राजा तो खुश हो गया, लेकिन वो जो काजी और पाजी था वो तो राजा को भड़का दिया, बोले महाराज जी ये क्या बोल रहे, सुन रहे हो, हैं? अगर ये बड़े व्यक्ति अगर ये हिंदू बानी करेगा तो दूसरे लोगों को देख करके सब हरे कृष्ण नाम करना जब कर, उसको उपयुक्त शास्ति दो, नहीं तो आगे फिर बढ़ने शुरू हो जाएगा, हैं? जब ऐसे बोले है ना, तब तो इसको सुन करके तो फिर तो उनकी बड़ा क्रोध आया, किसको, राजा को, बोले एक काम करो, हैं? बोले तुम ये हरिनाम छोड़ करके अपना कलमा उच्चारण करो। हरिदास ठाकुर ने क्या बोले, बोले खंड खंड हई देह जाए जति प्राण तबु आमी बदन ना छाड़ी व हरिनाम। अगर मेरे शरीर को अगर बोटी बोटी कर काट डालोगे ना तभी भी मैं ये हरिनाम छोड़ने वाला नहीं। जब उन्होंने ये बात बताई तब इसको ऊपर में प्रभुपाद बहुत सुंदर कमेंट लिखा है, बहुत सुंदर उन्होंने भाष्य उन्होंने लिखे हैं। जो हरिदास ठाकुर बताए मेरे शरीर को अगर बोटी बोटी कर काट डालोगे तभी भजन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों के ऊपर में जितने विपत्ति आने पर भी कभी भगवान की भजन नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी सी कोई इधर उधर हो गया ना, माला फला रखे भक्ति भक्ति छोड़े हम तो जा रहे हैं, हम भजन भजन हो गया। प्रभुपाद इसको ऊपर में इतने सुंदर कमेंट लिखे, हरिदास ठाकुर उन्होंने क्या सिखा दिया है, कहते अगर बोटी बोटी करे काट डालोगे तो हम भजन छोड़ने वाले नहीं। इसलिए भक्तों का जो जीवन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई सोचे भक्ति का रास्ता फूलों की मार्ग है, हैं? कहते नहीं भक्ति मार्ग यह कोटी कंट गुरुत करुण कांटा युक्त खुरस धारा निशित दुरोतया दुर्गम पथस्तर कवय वदंती। कवि लोग कहते भक्ति मार्ग ये ब्लेड को ऊपर में चलना ही भक्ति मार्ग है, हैं? ये सूर वीरों का मार्ग, ये कायरों का मार्ग नहीं, ये सूर वीरों का मार्ग है। जितना प्रहार हो, सूर वीर का जब युद्ध करते हैं उसको ऊपर जितने प्रहार होता है उतना खून उतना उबलता है, हैं? जितना प्रहार उतना खून उसकी उबलता, ठंडा नहीं हो जाता है। सिख्या देते हैं थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए ना, बस कुछ भी नहीं रखे, देखे ना पहले लोग माला छोड़ देंगे। हम इतना भगवान का भजन किया, भक्ति किया, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, खाना नहीं छोड़ेगा, देखे ना, घूमना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा, पहले ये माला छोड़ने के लिए ना हम पहले से तैयार बैठे, पहले से तैयार बैठे, ये माला कैसे छूटे। इसलिए कल हम सुनेंगे इस विषय पर प्रभुपाद क्या कहते हैं। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब मिठी मिठी ताली, जोर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे I'm not afraid.
समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद हरे हरे।